हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज प्रजापति है और मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे कि PicsArt हो गया या फिर कोई भी अदर फोटो एडिटर ऐप्स है, उसमें आप हिंदी फॉन्ट को इजीली तरीके से कैसे एक एप्लीकेशन से लिख सकते हैं। तो बिना टाइम के वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंदर तक। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है यूनिकोड। जी फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है प्ले स्टोर के सर्च बार पे यूनिकोड। टाइप करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का जो लोगो है, फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुल के आएगा एंड देन आपको करना क्या है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका इंस्टॉलिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था तो मैं सीधा ओपन करूंगा। और फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छा है एंड ये काफ़ी यूजफुल्ली एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप हिंदी फॉन्ट को बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपली मान लीजिए कोई हिंदी फॉन्ट नहीं, मतलब हिंदी टाइपिंग नहीं जानता है, बहुत ही मतलब हिंदी टाइपिंग अभी जैसे कृति देव हो गया या फिर कोई भी फॉन्ट वगैरह ऐड करते हैं, अगर हिंदी फॉन्ट आप ऐड किए हुए हैं और हिंदी टाइपिंग अगर करते हैं, ऐसे मान लीजिए हो होता है एच से हो, लेकिन वो नहीं शो करेगा क्योंकि उसके वो हिंदी टाइपिंग का मेथड नहीं है। हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको हिंदी टाइपिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, यूनिकोड एप्लीकेशन में आपको सिंपली पूरा का पूरा मतलब वर्ड नज़र आएगा हिंदी से एंड देन आपको क्लिक करना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना, ओपन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरा जो यूनिकोड में जितना भी हिंदी फॉन्ट्स मैंने ऐड किया हुआ था तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो बहुत ही आसानी तरीके से इस टाइप का आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ जैसे कि अपना नाम सरोज, जैसे कि यहाँ पर स है एंड इस टाइप का लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स, जिसके कारण से आप बहुत ही इजीली तरीके से आप फॉन्ट को ऐड भी कर सकते हैं। और मैंने तो ये पहले से ऐड किया हुआ था इस फॉन्ट को, आप कोई भी फॉन्ट को अदरवाइज कोई भी फॉन्ट को इसमें ऐड करके बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड आपको हिंदी फॉन्ट अगर नहीं आता, कि जिस किसी को भी नहीं हिंदी फॉन्ट नहीं आता, सिंपली मतलब इस टाइप का हिंदी फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं एंड यहां से आप हिंदी टाइप करके लिख सकते हैं। और मान लीजिए अगर इसमें टाइप कर दिए और मान लीजिए PicsArt है या फिर अदरवाइज कोई भी फोटो एडिटर ऐप है तो उसमें कैसे ले जाना है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, कॉपी पे क्लिक कर देना है। जैसे कॉपी पे क्लिक करते हैं आपका जो इस फॉन्ट में जितना भी आप लिखे हुए होंगे ये आपका कॉपी हो जाता है। देन आपको क्या करना है, होम पे आना है एंड मान लीजिए मैं PicsArt से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो PicsArt एप्लीकेशन को आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है या फिर को अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन हो फोटो एडिटर से रिलेटेड एंड देन आपको करना है एडिट पे ले लेना है कोई भी मतलब एंड टेक्स्ट ले लेना है टेक्स्ट। तो इस टाइप का फ्रेंड्स एंड टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड आपको क्या कर देना है, यहाँ पर टच किए हुए रखना है थोड़ी देर के लिए और इस टाइप का आपका इंटरफेस एक खुल के आएगा एंड देन आपको क्या कर देना है, पेस्ट पर क्लिक कर देना है और ओके। पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो हिंदी फॉन्ट का मेरा जो सीरियल की है एंड ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा अमेजिंग और गुड लुकिंग दिखता है। इस टाइप का आप हिंदी फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं किसी भी पिक्स एडिटर ऐप में। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारियाँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।